काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। हर महीना की तरह अप्रैल के महीना बदलाव लेके आबा है। बदलाव यहाँ से कि अप्रैल से नया फाइनेंशियल सत्र के शुरुआत होती। 1 अप्रैल से सफर महंगा भा टोल टैक्स में 7% तक के बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल में का कुछ बदलाव भी हमा और इसे अपने के जेब में कितना असर पड़ी ओकर जानकारी अपना कहीं खबर में मिली। तमंदे क्षेत्र के पहल बघेले न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सब जन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दी कि नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश में सफर महंगा होने वाला है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि MPRDC के द्वारा नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स के दरन में बढ़ोतरी का मंजूरी दी गई। नए बढ़े दाम से कल से टोल टैक्स के यानी कि 1 अप्रैल से टोल टैक्स के भुगतान करब हुई। अलग अलग टोल प्लाजा में 1 से 7% तक की वृद्धि की गई है। MPRDC के सिफारिश के बाद एक कार पर औसतन 4 रुपया तक के टोल टैक्स के भार रही। राहत की बात है कि मध्य प्रदेश के द्वारा 90 से ज़्यादा मार्ग पर टोल टैक्स की दर नहीं बढ़ाई गई। 4 नेशनल हाईवे 6 स्टेट हाईवे पर वाहन में 1 से लेकर 7.5% तक ज़्यादा टोल टैक्स की वसूली की जाए। जब 4 नेशनल हाईवे में सफर महंगा भाव में रीवा से MP UP बॉर्डर, MP UP बॉर्डर ग्वालियर भिंड, मनगवा से MP UP बॉर्डर ब्यावरा, MP राजस्थान बॉर्डर पर सफर महंगा हो जाए। जबकि 6 राजमार्ग मटकुली तामिया छिंदवाड़ा मार्ग, बरा नया गांव मार्ग, चांदपुर अलीराजपुर मार्ग, मंदसौर सीतामऊ मार्ग, देवास भोपाल मार्ग, लेवण मानपुर मार्ग पर सफर के खर्च बढ़ जाए। दूसरा कई 1 अप्रैल से EV की कीमत बढ़ जाए ही। अगर अपना इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे के प्लान कर रहे हैं तो अब अपना का ज़्यादा कीमत चुकाई पड़ी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो जी, जो उनके 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रही। इस स्कीम के तहत EV कंपनी का द्वारा स्टॉक का क्लियर कराए के खातिर अपने व्हीकल पर भारी डिस्काउंट दिन जा रहा है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाज़त, प्रणाम।